हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको एक पौधे के बारे में, एक फ्लावर के बारे में बताती है, पर मैं आज आपको कुछ सब्जियां के बारे में भी जानकारी दे रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए हमारी गोभी है, जो गोभी आप हर दिन खाते हो, हर सब्जी के ऊपर इस गोभी को यूज करते हो। इस गोभी ठंड के मौसम में पहले मिलती थी, पर ये अब बारह महीना गोभी मिलती है। ये देखिए हमारे गोभी है, इस तरह से गोभी फले हुए हैं। ये देखिए हमारे ग्रीन गोभी है, लेकिन अभी ये वाइट खिले हुए हैं। ये गोभी बहुत ही सुंदर से खिले हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये गोभी खिले हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका पौधा किस तरह से होती है। तो दोस्तों, मैंने पौधा तो लाया था खरीद के छोटा छोटा। देखिए इस तरह से इनके पौधे होते हैं। इसमें तो बहुत सारे पत्ते आए हैं, लेकिन ये दो पत्ते का मैंने लगाई थी दोस्तों। तो इसको घर पे आप बस लगाओ, और साग सब्जी यदि आप घर पे उगाकर खाते हो तो इससे अच्छा विटामिन आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस गोभी को देखिए मैंने इस गमले में मैंने लगाई है। आप गमले में इसमें गोबर मिट्टी और अधिक मात्रा में इसमें खाद मिलाकर यदि आप रखते हो तो इस गोभी को देखिए इस तरह से इसमें अभी छोटे फूल आए हैं। इसमें देखिए ये रेड कलर का गोभी है मेरा। रेड कलर का गोभी आप घर पे किस तरह से उगाओगे दोस्तों, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि रेड कलर का गोभी भी होता है। मैंने अभी तक तो मार्केट में नहीं देखा था, पर इस गोभी को देखिए मैंने हर गमले में गोभी उगाई है। तो आप देख सकते हो, मेरी वीडियो को देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि गोभी किस तरह से होती है। ये तो साग सब्जी, आप इसका सब्जी भी बनाकर खा सकते हो, इसका पकौड़ा भी बनाकर खा सकते हो। ये गोभी का पकौड़ा भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने से दोस्तों। ये गोभी बहुत ही बढ़िया तरह से खिले हैं। आप घर पे अवश्य लगाओ, इनमें खाद वगैरह नहीं ना डालें, क्योंकि खाद डालने से ये पौधा ख़राब हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, बिल्कुल भी ये ग्रोथ नहीं करती है। तो इसमें खाद ना डालें, बिना खाद का गोभी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने से। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको दिखा रही हूँ गोभी का पौधा, कि मैंने घर पर गोभी की इतनी बढ़िया तरह से इसको उगाई है। और इनके पत्ते देखिए कितने सुंदर सुंदर हुए हैं। आप इस फ्लावर को देखकर लगता है कि बिल्कुल ये फूल की तरह खिले हुए हैं, पर ये हमारे गोभी हैं। इनके पौधे भी देखिए कितने, इनके पतले जड़ हैं, पर इनके ये जो कलियां हैं, इनके पत्ते हैं, बिल्कुल एकदम सजाया की तरह लग रही है। ये गोभी भी गांठ बनकर पूरा ऑलरेडी तैयार है। तो आप गोभी को इस तरह से देखिए, इस तरह से ये ऑलरेडी तैयार है गोभी एकदम। इनके पत्ते एकदम बिल्कुल दम तहवाई तह सजाए हुए हैं। इनके पत्ते बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर होते हैं। इस पत्ते का चटनी बनाकर आप खा सक इस पत्ते का आप चटनी बनाकर खा सकते हो। इस गोभी को पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इनकी पराठा भी बनते हैं, इनको सब्जी भी बनाकर खा सकते हो दोस्तों। इसको हर रूप में किसी तरह से भी यूज कर सकते हो अपने घरों पे। ये गोभी आप गमले में अवश्य लगाओ, गमले में ये बीज से मार्केट में आपको पौधा मिल जाएगी, लेकिन पौधे आपको इस तरह से मिलेगी जो आप मेरे पौधे को, छोटे पौधे को देख सकते हो। ये इस तरह से पौधे मिलते हैं, पर इसको घर में लगाने के बाद आप घर में इसको सेवा आदि करते हो अच्छे तरह से, तो ये बिल्कुल ही इस तरह से गमले में गोभी आपको रेडी हो जाएगी। और गोभी आप घर पे लगाकर आराम से खाओ सब्जी, इसका लाभ पाओ दोस्तों। ये देखिए हमारे गोभी एकदम तैयार है, और इस गोभी को आप घर पे एकदम आसान तरीका से लगा सकते हो। इस मिट्टी को इस तरह से आप गमले में मिट्टी डालकर इसको गीला बना कर रखो, क्योंकि ये गीले बनने से इसका जड़ तक यदि पानी हवा पोषण सब पहुंचती है तो ये बिल्कुल पौधे ग्रोथ करते हैं और अच्छे होते हैं। इस जड़ से ही इनके सारा ऑक्सीजन और इनके खाना पीना इस जड़ से ही इस गोभी तक पहुंचती है, और इनके पौधे इसी तरह से बढ़ते हैं, बढ़ने में ग्रोथ करती है, मदद करती है, और ये फूल देने में आसान हो जाती है। तो इस तरह से ये पौधे फूल तक खिलते हैं, और इनको बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ से वातावरण मिलते रहती है। इस तरह से ये गोभी खिल जाते हैं। और ये देखिए मेरे गोभी अब तो रेडी हो चुकी है, तो इसको मैंने तोड़ लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा यदि इसको छोड़ूंगी तो ये जुआ जाएगा। जुआने से क्या होता है, सब्ज़ी ठीक नहीं बनेगी और बिल्कुल भी खाने में टेस्ट इसका ख़राब हो जाती है। तो आप घर पर यदि इतना बड़ा गोभी ऑलरेडी तैयार होता है, तो आप घर पर गोभी इसको काट कर निकाल ले, क्योंकि ज़्यादा
इसको रहने देने से आपका गोभी बिल्कुल ख़राब हो जाती है और अच्छे नहीं लगेंगे, स्वाद नहीं लगेंगे। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाय बाय।